और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संभल हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है। बता दें कि संभल मस्जिद के सर्वे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाई है। निचली अदालत कोई एक्शन ना ले, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी टिप्पणी की गई है। तो ये बड़ी खबर संभल हिंसा से जुड़ी हुई आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर दरअसल आज सुनवाई शुरू हुई, चूंकि यहां पर दूसरे पक्ष की भी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी संभल मस्जिद के मामले को लेकर, सर्वे को लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इसमें टिप्पणी की है कि निचली अदालत इस मामले में कोई भी एक्शन ना ले। तो एक तरफ जहां जिला कोर्ट में आज सर्वे की रिपोर्ट पेश होनी थी, उसकी भी तारीख अगली सुनवाई 8 जनवरी के लिए तय कर दी गई, और 8 जनवरी को जहां एक तरफ जिला कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो इस पूरे मामले में याचिका दाखिल की गई थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाई है, निचली अदालत इस मामले में कोई एक्शन ना ले। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि निचली अदालत संभल केस में कोई भी तरीके का कोई एक्शन ना ले। तो चलिए सुशील से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर फिलहाल रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है निचली अदालत में कोई एक्शन ना ले। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एक तरफ जहां संभल की बात करें, आज जिला कोर्ट में रिपोर्ट पेश होनी थी, उसके लिए तारीख आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत इस मामले में कोई एक्शन ना ले। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को सुना, मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलील दी और हिंदू पक्ष ने भी अपनी दलील दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस निचली अदालत का जो आदेश था उस आदेश पर रोक लगा दी, और साथ ही मुस्लिम पक्ष को यह कहा है कि 8 जनवरी से पहले वो हाईकोर्ट जाए और हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करे। यानी मुस्लिम पक्ष जिस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, वो मांग कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम तरीके की दलील दोनों पक्षों की तरफ से दी गई थी। यहां पर मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना था के निचली अदालत में उनको नहीं सुना गया और उससे पहले सर्वे का आदेश दे दिया है, तो कहीं ना कहीं अब निचली अदालत पर किसी भी आदेश देने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक लगा दी और मुस्लिम पक्ष को कहा है कि जो भी तथ्य है वो कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, उन तमाम तथ्यों को लेकर हाईकोर्ट जाए और हाईकोर्ट में 8 जनवरी से पहले जब सुनवाई निचली अदालत में होनी है उससे पहले हाईकोर्ट में जाकर अपने तमाम दस्तावेज या जो भी उनके पास प्रूफ है इस मस्जिद को लेकर वो हाईकोर्ट के सामने रखेंगे। हाईकोर्ट पूरे मामले को लेकर अब अगली जो सुनवाई है वो करेगा और हाईकोर्ट का फैसला किस तरीके का आता है दोनों पक्षों को सुनने के बाद में वो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जैसे ही ये सुनवाई शुरू हुई तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलील यहां पर दी। हिंदू पक्ष की तरफ से भी कहा गया था कि हाई कोर्ट के जो निचली अदालत है उस आदेश पर सर्वे कराया गया और सर्वे को सार्वजनिक ना किया जाए उसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया है। लेकिन यहां पर निचली अदालत का जो आदेश था जिस आदेश पर ये सर्वे किया गया उस पर अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को ले जाया जाए और दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील हाई कोर्ट के सामने रखेंगे। बिल्कुल, अब उसके बाद हाई कोर्ट की ओर से निचली अदालत के कुछ फैसले पर आपत्तियां भी जताई गई है और साफ तौर पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये साफ करने के लिए भी यहां पर टिप्पणी की गई है कि वहां पर माहौल जो है वो शांतिपूर्ण रहे और किसी भी तरीके की जो स्थिति हमने 24 नवंबर को देखी थी वो कभी अब ना देखने को मिले भविष्य में यहां पर। बिल्कुल, देखिए इस चीज पर भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट यहां पर करता हुआ दिखा। चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि संभल में ऐसा माहौल दोबारा से खराब ना हो, लिहाजा पीस कमेटी बनाई जाए और हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दोनों ही लोगों की कमेटी के साथ मीटिंग की जाए ताकि सद्भावना बनी रहे और इस तरीके के हालात दोबारा से पैदा ना हो जिस तरीके के हालात पिछले दिनों देखे गए थे। कई लोगों की मौत भी उसमें हुई, कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए, हालात तनावपूर्ण रहे। हालांकि अब धीरे धीरे पटरी पर वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो लौट रही हैं, तमाम बाजार खुलने शुरू हो गए। इसी तरीके का माहौल आगे भी बना रहना चाहिए और किसी तरीके का विवाद उत्पन्न ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जिला प्रशासन और पुलिस को इस बात के निर्देश दिए। और मुस्लिम पक्ष की जिस तरीके से दलील यहां पर देखी गई थी कि एक पक्ष सुना गया था निचली अदालत में उसके बाद सर्वे का आदेश दिया गया, उस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्वीकार किया और सीधे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की आगे की जो सुनवाई है वो अब नहीं होगी। अब हाईकोर्ट जो मुस्लिम पक्ष
है वो जाएगा, हिंदू पक्ष हाईकोर्ट जाएगा और हाईकोर्ट में तमाम जो दलीलें हैं दोनों पक्षों की वो यहाँ पर दी जाएंगी। आज भी सुनवाई निचली अदालत में होनी थी लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्र है इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के चलते उस अदालत की कार्रवाई को आगे के लिए टाल दिया गया था। 8 जनवरी तारीख लगाई गई थी, लिहाजा 8 जनवरी से पहले हाईकोर्ट में पूरा मामला जाएगा। जी बिल्कुल अमित, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास और भी अधिक जानकारी के लिए। संभल से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, चूंकि देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि शाही जामा मस्जिद के जो पक्ष है वो तो पहले हाईकोर्ट की तरफ जाए, लेकिन आप समझिए कि चंदौसी कोर्ट में आज सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी लेकिन कुछ चीजों को उसमें अंकित नहीं किया गया, हिंसा के कारण तारीख आगे बढ़ा दी गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि निचली अदालत इस मामले में अभी कोई एक्शन ना ले और सर्वे पर फिलहाल अभी एक तरीके से रोक लगा दी गई है। देखिए आपको बता दूं, सर्वे हो ही चुका है, सर्वे रिपोर्ट सबमिट करने की और सर्वे रिपोर्ट सबमिट ना होने के लिए जो निचली अदालत है यानी कि यहाँ की जो सीनियर सिविल डिविजन की कोर्ट है उन्होंने 10 दिन का समय दिया है, वो रिपोर्ट सील करके पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है उसका यहाँ पर पालन कराया जाएगा लेकिन कोई हियरिंग नहीं होगी। जो 8 जनवरी की तारीख दी गई थी तब तक वहां पर भी हियरिंग नहीं होगी, पहले इसमें अगर अपील करना होगा यानी अगर मुस्लिम पक्ष दूसरा जो पक्ष है वो अगर अपील करेगा तो वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। अगर बात करें किसी पर तरीके से तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो मेरिट के अकॉर्डिंग आप बात दायर करेंगे वो मेरिट में आएगा और मेरिट के अंदर जनवरी का सेकेंड वीक इसमें दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट में अगर हियरिंग इसमें की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करने के लिए कहा है और जो भी सर्वे रिपोर्ट है उसको भी सील कर लिफाफे के अंदर बंद कर यहाँ जो निचली अदालत है उसमें पेश करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और यहाँ के जो जिला प्रशासन है उसको लेकर भी सख्ती के दिशा निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर अब दोबारा से 24 तारीख जैसे हालात ना बने उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल हिमांशु, चूंकि देखिए हमने 24 नवंबर की दिन की जब तस्वीरें दिखाई थी और चूंकि उसके बाद तमाम एक एक वीडियो फोटो भी कई यहां पर सामने आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से निचली अदालत के किसी भी एक्शन पर अगर रोक लगाई गई है तो आप समझिए कि फिलहाल ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं 8 जनवरी तक इलाके में वहां पर प्रभावित होता हुआ नजर आएगा, लिहाजा जमीन पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा। चूंकि देखिए स्थिति को सामान्य करने की कोशिश लगातार की जा रही है और कुछ हद तक स्थिति भी सामान्य हो चुकी है, लेकिन इसको मैं किस तरह से बयां करना चाहूंगा, संभल अब समझने लगा है। 24 तारीख का जो दंगा यहाँ देखने को मिला, जो हिंसा यहाँ देखने को मिली और उसके बाद संभल में एक तरह से अघोषित कर्फ्यू बन गया था, कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए थे, दुकानें बाजार पूरी तरह से बंद थे लेकिन संभल दोबारा से पटरी पर लौटने लगा है, दुकानें खुलने लगे हैं, बाजार खुलने लगे हैं। आज की अगर हम बात करें तो जुमे को लेकर जरूर अलर्ट किया गया था और 1 तारीख तक बाहरी किसी व्यक्ति के संभल में आने को लेकर रोक लगा दी गई थी, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक लोग, इसी के तहत जो राजनीति थी वो भी गरमा रही थी और जो बाहर से आने वाले लोग थे वो लगातार अपनी राजनीति भी बाहर से करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिलहाल हालात सामान्य है, कुछ देर बाद जुमे की नमाज भी शुरू होने वाली है, 1:30 बजे का समय दिया गया है जब शाही जामा मस्जिद पर जो मौजूदा लोग हैं वो आना शुरू हो जाएंगे और जुमे की नमाज को अदा करेंगे। आज का दिन इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि शुक्रवार का जुमा होता है, इस दौरान कोई अंदर से कोई इनपुट ना हो या फिर भीड़ इनपुट ना हो या कोई ऐसा भी वायरल मैसेज ना हो जाए ताकि भीड़ दोबारा सड़कों पर हो जाए। इसी बात पर पुलिस की निगाहें बनी हुई है, IT, NIU तमाम इंटेलिजेंस की जो टीमें हैं वो यहाँ संभल में लगातार इनपुट भेज रही है, शासन से लगातार पूरे मामले। तो विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे जहां उनकी तरफ से तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। बता दें कि उनका साफ तौर पर कहना है कि हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से शाही मस्जिद के पक्ष को यहां पर हाईकोर्ट जाने की बात कही गई है और जो भी देखिए हाईकोर्ट की तरफ से जो दरअसल फैसला होगा उस पर आगे की जो कार्रवाई होगी वो देखने को मिलेगी। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, अमित आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अभी हमने विष्णु शंकर जैन के बयान को भी सुना, उन्होंने कहा कि देखिए अभी ट्रायल कोर्ट में जितनी भी कार्रवाई हो रही है उस पर फिलहाल एक तरीके से 8 जनवरी तक के लिए रोक है, लेकिन चूंकि यहां पर जो रिपोर्ट देनी है सर्वे रिपोर्ट एक तो वो सीलबंद लिफाफे में आपको देनी होगी लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि हाईकोर्ट पहले जाना होगा और हाईकोर्ट इस मामले में जो भी फैसला देगा आदेश देगा उसके तहत ये पूरी आगे की कार्रवाई की जाएगी, यानी 8 जनवरी तक एक तरीके से यहां पर आप समझिए कि सर्वे को लेकर जो रोक हमें देखने को मिलेगी। अमित
बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर एडवोकेट इस बात को कहते हुए दिखाई दिए कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो इस पूरी प्रोसीडिंग पर रोक लगाने की मांग को लेकर पहुंचा था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया और हाई कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष से कहा गया है, हिंदू पक्ष भी हाई कोर्ट जा सकता है और अपने तमाम आपके पास आप जानकारी दीजिएगा।